सो हेलो दोस्तों, 1 लाख रुपए में आने वाले 5 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, कोडिंग, लर्निंग एंड बिजनेस एंड ऑल योर पर्पस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने जो लैपटॉप्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं उनमें मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, लाइक सभी में 16 GB की रैम हो, सेकेंडली सभी में SSD स्टोरेज तो है ही जिससे कि लैपटॉप्स एकदम स्मूथली वर्क करे, लार्ज ब्राइट एंड क्वालिटी डिस्प्ले मिले विद मिनिमम 120Hz रिफ्रेश रेट। थर्ड, इंटेल का कोर i7-11 जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर या सिमिलर प्रोसेसर हो एंड सभी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। एंड मैं टॉप 5 लिस्ट में सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को इंक्लूड करता हूं जिनका कस्टमर रिव्यूज, रेटिंग एंड रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है, जिससे कि मैं आपको बेस्ट ट्रस्टेबल प्रोडक्ट दिलवा सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल का गोल यही है कि आपको कोई भी किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट में से बेस्ट चूज करना हो तो मैं आपके लिए उन सभी कंफ्यूजन में से बेस्ट 5 की लिस्ट लाता रहता हूं। और हर बजट के लैपटॉप के बेस्ट 5 पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पर बनाए हुए हैं, यू कैन चेक देम। बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें मैंने हर प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ 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 हिट द सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट मी। So let's start today's best 5 laptops under 1 lakh rupees list. So at number 5 is Asus VivoBook Pro 15. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें AMD Ryzen 7 5800H प्रोसेसर है which is a gaming प्रोसेसर जिसके 3.2 GHz बेस स्पीड है एंड अप टू 4.4 GHz मैक्स बूस्ट स्पीड है। इसमें 8 कोर हैं, 16 थ्रेड है, 20 MB की कैच मेमोरी है। मेमोरी की बात करें तो 16 GB की DDR4 3200 MHz की रैम है एंड 1 TB की M2 NVMe PCI 3.0 की SSD गिवन है, प्लस 1 एक्स्ट्रा स्लॉट है सो यू कैन अपग्रेड इट अप टू 2 TB। ग्राफिक्स की बात करें तो NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4GB VRAM जो NVIDIA स्टूडियो ड्राइवर को भी सपोर्ट करता है, ये आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है जिसका 0.2 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम है। प्रीलोडेड विंडो 10 होम विद लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है जिसे आप फ्री में अपग्रेड कर सकते हो टू विंडोज 11 व्हेन अवेलेबल, प्लस ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 मिल जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी थिन एंड लाइट लैपटॉप है। लैपटॉप का वेट 1.65 किलोग्राम है। इसका बैटरी रन टाइम अप टू 8 आवर्स का है। इसका बैटरी रन टाइम अप टू 8 आवर्स का कंपनी क्लेम करती है बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूजेस, तो आप इसे जितना यूज़ करेंगे उतना ही ये आपको बैकअप देगा। वीडियो में दिखाया गया सभी लैपटॉप का बेस्ट डिस्काउंटेड लिंक आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको इनको ढूंढने की ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट से जाके उन लिंक्स के थ्रू आप इनके बारे में और डिटेल पता कर सकते हो। सो कम एट नंबर 4 इज Asus TUF-F15 2021। इसमें 11 जनरेशन का Intel Core i7-11370H प्रोसेसर है जिसकी 3.3 GHz की बेस क्लॉक स्पीड है एंड मैक्स इज अप टू 4.8 GHz। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी स्पीड इसमें गिवन है। 4 कोर्स हैं, 8 थ्रेड्स हैं, 12 MB की कैश मेमोरी है। इसमें आप 100 से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी PC गेम्स को ऑन विंडो 10 पर एक्सेस कर सकते हो, प्लस 1 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है Xbox Game Pass का। 16 GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम है, प्लस 1 एक्स्ट्रा स्लॉट है जिसे आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की SSD है विद एडिशनल एम्प्टी SSD स्लॉट। डेडिकेटेड NVIDIA GeForce RTX 3060 GDDR6 का ग्राफिक्स कार्ड है विद ROG बूस्ट अप टू 1525 MHz एट 80 W प्लस 5 W विद डायनेमिक बूस्ट। 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है विद 144 Hz रिफ्रेश रेट। बाकी प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, प्लस मैकफी एंटीवायरस विद 1 ईयर वैलिडिटी, प्लस प्री लोडेड विंडो 10 होम विद लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको इसमें मिल जाती है। तो कम्स एट नंबर 3 इज LG Gram 17। इसमें Intel 11 जनरेशन Core i7-1165G7 का प्रोसेसर है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड इज 2.8 GHz एंड मैक्स इज अप टू 4.7 GHz। 12 MB की L3 कैश मेमोरी है। प्रीलोडेड विंडो 11 मिलती है। 17 इंच का बड़ा IPS डिस्प्ले है। 16 GB की ड्यूल चैनल 4266 MHz वाली रैम है। 512 GB की SSD है विद एडिशनल एक्स्ट्रा स्लॉट। इसका वेट 1.3 किलोग्राम है। डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है जो कि मैग्नीशियम एलॉय से बना है। 15 घंटे का बैटरी राइड टाइम इसमें आपको मिल जाता है। सो एट नंबर 2 इज़ Lenovo Legion 5। इसमें 11th जनरेशन Intel Core i7-116800H का प्रोसेसर मिलता है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड इज़ 2.3 GHz एंड मैक्स इज़ अप टू 4.6 GHz। 8 कोर्स और 16 थ्रेड हैं एंड 24 MB की कैश मेमोरी है। 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है विद 120Hz रिफ्रेश रेट। NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है विद मैक्स TGP 95W एंड बूस्ट क्लॉक इज 1500 1740 MHz। 16GB की DDR4 रैम है विच इज अपग्रेडेबल अप टू 32GB। 512 GB की SSD है। Legion Cold Front 3.0 with Quad Channel Extra Hot System with Copper Fins Technologies में गिवन है जो कि इसके प्रोसेसर को कूल रखती है। फुल साइज का RGB LED बैकलाइट कीबोर्ड इसमें मिलता है। सो कम्स एट नंबर 1 इज HP Pavilion। इसमें 11th जनरेशन Intel Core i7-1165G7 का प्रोसेसर है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड इज अप टू 4.7 GHz विद Intel Turbo Boost टेक्नोलॉजी। 12 MB की L3 कैश मेमोरी है। 4 कोर्स हैं। 16 GB की DDR4 3200 MHz की रैम है। 512 GB की SSD है। प्रीलोडेड विंडो 10 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, इसको आप फ्री में अपग्रेड कर सकते हो विंडो 11 में। प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम स्टूडेंट 2019 वाला वर्जन इसमें दिया हुआ है। डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंच का डायगनल फुल HD IPS डिस्प्ले है। Intel Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड है। बैटरी की बात करें तो इट सपोर्ट्स फास्ट चार्ज टू अप्रोक्सीमेटली 50%। ये 30 मिनट में चार्ज हो जाता है। फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड है प्लस फिंगरप्रिंट रीडर है। Alexa बिल्ट इन है। जैसे सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो ये थे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स इन 1 लाख रुपीज़। इनमें से आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर से मिलता हूँ एक न्यू टॉप 5 लिस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।